सभापति महोदय, जिस भर्ती की आप बात कर रहे हैं और मेरे विपक्ष के साथी पिछले 3 दिन से बात कर रहे, मैं पुरजोर मांग करना चाहता हूं कि SOG इसके दायरे, जांच के दायरे को बढ़ाए और उन तमाम लोगों को पकड़े जो ने सिर्फ रीट 2020 को बल्कि 2021 को डिस्टर्ब करी थी, उसमें पेपर लीक करा था, उससे पहले जो तमाम भर्तियां हुई जिसमें जो गड़बड़ी करी उन तमाम की भी जांच करे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम जिन पेपर माफियाओं ने करा वो शिक्षकों के पीछे जाएं। पर सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 2018 से पहले की 11 भर्तियां ऐसी थी जिनको पिछले 3 साल में समाधान करा गया। हजारों हजार नौजवान, चाहे वो LDC भर्ती के आए हो, चाहे वो दूसरी भर्ती के नौजवान आए हो, चाहे RAS भर्ती के नौजवान आए हो, जो बार बार पिछली अटकी हुई भर्तियों को पूरा करवाने की मांग कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से नौजवान का भला नहीं होगा, बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे पुलिस, चाहे प्रशासन, चाहे RAS, चाहे IAS, हर जगह जो भर्तियों में कटौती हुई है उनको हमें गौर से देखना होगा। सभापति महोदय, ये तो ठीक है रीट में पेपर लीक हो गया और रीट का आरोप किसी पर लगाया जा रहा, SOG जांच कर रही है, जांच से क्लियर कर देगी। पर सभापति महोदय, हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है, जहां किस ओर चोट आरक्षण पर हो रही है, 2021 के अंदर भारत में IAS बनाने के लिए कोई पेपर का आयोजन नहीं हुआ। हमारे चर्चा तो ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष जी के बेटी भी IAS में सिलेक्ट हुई है जिसने कोई पेपर नहीं दिया। भारत की सरकार 1100 पदों पर IAS लेने जा रही है जिसमें कोई पेपर नहीं होने वाला है, कोई आरक्षण नहीं होगा, कोई पेपर का संकट इन्होंने छोड़ा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में नौजवानों के लिए हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि कोई पेपर लीक करना तो दूर की बात, पेपर के लिए किसी के पास फोन भी नहीं कर पाए कि तेरी सेटिंग है कि नहीं है। रीट से पहले इतने फोन आते थे सब नेताओं के पास, सब विधायकों के पास कि रीट में सेटिंग है कि नहीं, ये सेटिंग का शब्द कहां से आया, उस आदमी को पकड़ने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ तब होगा जब नौजवान सारे के सारे पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसे मेरे साथी अभी कह रहे थे RAS के लिए, उससे पहले AIN भर्ती का मसला था, सिलेबस के लिए बच्चे 2 महीने की लड़े। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पूर्व ऊर्जा मंत्री का जिन्होंने हमारी इस बात को मानना भी था कि सिलेबस को उन्होंने सही कर दिया था। आज RAS के बच्चे कह रहे कि हमारा सिलेबस ठीक करो, हमारा सिलेबस जो बदल दिया गया, पेपर आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं RPSC जो पेपर आयोजित करे, जो RPSC का बड़ा सतर था देश में, उस RPSC को अपनी पहचान को वापस मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। राजस्थान का भर्ती बोर्ड जो बिना किसी कलंक के, जो बिना किसी बात के भर्तियां आयोजित करता था, उस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, राजस्थान में कोई सेटिंग नहीं चलती थी, राजस्थान में कोई भर्ती लीक पेपर लीक नहीं होते थे, वापिस उसी दौर को हमें कायम करना है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी करना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले राजस्थान में SI के लिए 11 पदों पर भर्ती हुई थी खिलाड़ियों की, जिसमें भी यहाँ के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि राजस्थान का एक भी अभ्यर्थी नहीं हुआ, उस भर्ती की भी जांच करवाने का काम करें और नौजवानों के साथ न्याय करें। न्याय अपनी जगह सभापति महोदय और न्याय की अवधारणा अपनी जगह। हम उम्मीद करते हैं सदन में बैठे सारे लोग कि राजस्थान की सरकार इसमें SI भर्ती में भी न्याय करेगी, RAS के एग्जाम को भी आगे बढ़ाएगी। सभापति महोदय, मैंने कल भी मेरी बात रखी थी, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राजस्थान का बजट आएगा, राजस्थान के बजट में राजस्थान की सरकार स्वास्थ्य से लेकर के, स्कूल से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, सड़क तक में तेजी से विकास करने का काम करेगी। जल जीवन मिशन में पूरे प्रदेश में अच्छा काम चल रहा है, पिछली बार जो जल जीवन मिशन में राजस्थान की सरकार ने काम करा उसको आगे बढ़ाते हुए इन तीनों मुद्दों पर, सड़क, बिजली, पानी और
स्वास्थ्य पर तेजी से सरकार काम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विपक्ष के साथियों को सद्बुद्धि आएगी, इनको हंगर इंडेक्स में जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में 113वें स्थान पर चला गया है, इससे कुछ सबक आएगा, ये सीखेंगे। और 25 के 25 हमारे एमपी भारत सरकार से हमारे राजस्थान के लिए विभिन्न योजनाओं में पैसा लाने का काम करेंगे, उनके लिए हमारे विपक्ष के साथी उनको मजबूती से